नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज हम मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यूपी में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। बीजेपी की हर बात झूठी निकली, न किसान की आय दोगुनी हुई, न युवाओं को रोजगार मिला, विकास के वादे भी अधूरे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनकी पोल खोल दी है। बीजेपी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई है। लूट और झूठ बीजेपी की पहचान बन गई है। लोकसभा चुनाव के रण में सभी दल कूद गए हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार 400 से ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में आएंगी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी इस बार सिर्फ 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी। गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने यह बड़ा दावा किया। राहुल गांधी ने कहा कि पहले मुझे लगता था कि बीजेपी को 180 के करीब सीटें मिल जाएंगी, लेकिन अब लगता है कि ये लोग 150 पर ही सिमट जाएंगे। मुझे हर राज्य से ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने के सवाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी की ओर से जो भी आदेश मिलेगा वो उसका पालन करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने दावा किया कि पीडीए बीजेपी को हराने जा रहा है। इस बार बीजेपी की विदाई शानदार होने वाली है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 2 या 3 मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई और भागीदारी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी भटकाव की राजनीति करती है। पीएम समुद्र में चले जाते हैं लेकिन मुद्दों के बारे में बात नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने एएनआई को इंटरव्यू दिया। पीएम का इंटरव्यू फ्लॉप शो था, इंटरव्यू स्क्रिप्टेड था। पीएम मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड समझाने की कोशिश की। पीएम कहते हैं कि ये सिस्टम पारदर्शिता के लिए लाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सिस्टम रद्द क्यों किया? अगर पारदर्शी था तो बीजेपी ने चंदा देने वालों कंपनियों के नाम क्यों नहीं बताए? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसके बाद बीजेपी को पैसा मिलता है। किसी कंपनी पर ईडी की सीबीआई की कार्रवाई होती है, 10 या 15 दिन बाद बीजेपी को चंदा मिलता है। उन्होंने कहा सड़क पर इसे वसूली कहा जाता है। पीएम मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान आज शाम 5 बजे थम जाएगा। पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान होना है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में मतदान होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5 और पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी। राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश की 2 और असम की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होने जा रहा है। बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5 और मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होगी। मेघालय की 2, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज कर सकता है। सर्वे में एनडीए को 373 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 155 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा जैसे बड़े राज्यों में एनडीए को भारी बढ़त मिलने की संभावना जताई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और राजनीतिक अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने कहा है कि देश में असमानता, युवाओं के बीच बेरोजगारी, महंगाई और घरेलू ऋण अब तक के उच्चतम स्तर पर है। उन्होंने कहा कि भारत में बेरोजगारी की गंभीर समस्या है, खासकर 20 से 25 वर्ष के बीच के युवाओं में। उनके बीच बेरोजगारी दर 40% है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार लगभग 60 से 65% बेरोजगार शिक्षित हैं। प्रभाकर ने विश्व असमानता लैब की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया और कहा कि ब्रिटिश शासन की तुलना में भी भारत में असमानता ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को उस समय अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा जब उनकी चुनावी सभा से लोग उठकर जाने लगे। लोगों को रोकने के लिए मंच संभालने नेता ने उन्हें हिंदू होने और महादेव का भक्त होने का वास्ता दे दिया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस समिति चीफ ने इसका वीडियो शेयर करते हुए कहा है ये वीडियो बीजेपी के 10 साल में किए गए भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए काफी है। इससे साबित होता है कि जनता बीजेपी से दुखी है और इन चुनावों में उसे सत्ता से हटाने को तैयार है। बता दें, भाषण के बीच में ही जब लोग उठकर जाने लगे तो मंच से लोगों को हिंदू होने का वास्ता दिया गया। उन्होंने कहा अगर तुम हिंदू हो और महादेव के भक्त हो तो बैठ जाओ।
आम आदमी पार्टी ने आज लोकसभा कैंपेन की वेबसाइट की शुरुआत की। दिल्ली के मंत्री अतिशी ने कहा कि आपने केजरीवाल सरकार के काम को उजागर करने के लिए लोकसभा चुनाव अभियान के तहत रामराज से प्रेरित वेबसाइट लॉन्च की है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आज़ादी के बाद मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त पानी योजना और मुफ्त बस यात्रा योजना लागू करने वाली ये पहली सरकार थी। दिल्ली मुनाफे का बजट देने वाला एकमात्र राज्य है। पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह, मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि दिल्ली में काम रोकने की कोशिश की जा रही है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। वो मनोज तिवारी से कड़ी टक्कर का सामना कर रहे हैं। इस बीच इंडियन एक्सप्रेस से उन्होंने बातचीत की। जब उनसे सवाल किया गया कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य होने के भाजपा के दावों का मुकाबला करने की क्या योजना बना रहे हैं, इस पर कन्हैया कुमार ने कहा कि मुझे इसको काउंटर क्यों करना चाहिए, झूठ का काउंटर नहीं करना है, ये उनके ध्यान भटकाने के एजेंडे में शामिल होगा। दरअसल सवाल उन्हीं पर है। सभी एजेंसियां राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, CBI और ED उनके अधीन हैं। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री उनके हैं। जब एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को बिना किसी सबूत के जेल में डाल सकते हैं तो उन्हें मुझे गिरफ्तार करने से कौन रोक रहा है। वो पिछले 10 वर्षों से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है और वे लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। गुजरात के राजकोट में एक दलित युवक की मौत के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मृत युवक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस हिरासत में उसे प्रताड़ित किया गया था जिसके कारण उसकी मौत हो गई। एक तरफ इस मामले में राजनीति तेज हो गई है तो दूसरी तरफ पुलिस के वरीय अधिकारी मामले की जांच और दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि रविवार देर रात अपने पड़ोस में हुए एक झगड़े में बीच बचाव करने गए युवक को पुलिस ने पकड़ा था। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। रिपोर्ट कहती है कि पुलिस द्वारा उठाए गए उस दलित व्यक्ति के मंगलवार को राजकोट के एक अस्पताल में मौत हो गई। अयोध्या में रामनवमी पर दोपहर 12 बजे से रामलला का सूर्य तिलक हुआ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का यह पहला सूर्य तिलक है। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का 3 मिनट का सूर्य तिलक किया गया। वहीं रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि श्री राम भारतीय जनमानस के रोम रोम में रचे बसे हैं, अंतर मन में समाहित हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।